प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर अमरोहा में भाजपाइयों में शोक की लहर है। दरअसल अमरोहा के गजरौला में पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं हसनपुर विधानसभा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने भी अपने आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी की माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़गवंशी ने भी अपने आवास पर मौन धारण कर शोक संवेदनाएं प्रकट की। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता का निधन हो गया, उसमें सभी को आज दुख की लहर है, सभी क्षेत्रवासियों में दुख की लहर है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन का गुजरात के अस्पताल में इलाज के दौरान स्वर्गवास होने पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का आज देहांत हो गया है। हीराबेन जो 100 साल पूरे कर चुकी हैं अपने, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे परिवार को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं अपनी अपनी पार्टी की तरफ से। यही कहूँगा, आज हमारे लिए ये बहुत ही दुख का दिन है कि हमारे बीच वो नहीं रही। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के आवास पर एक शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में सभी ने उनकी छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रेरणादायी संघर्षशील हीराबाई की दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। साथ ही ईश्वर से यही कामना है कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री के परिजनों और शुभचिंतकों और समर्थकों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।